Thank you.
राधा ओम ज्ञात विराम ज्ञानांजन सलाजय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वाचाकलपुरुषत्रिपाशेन्दुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महामदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुष्ये नमः हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीसह गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद कृष्ण कृष्ण हरि 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 सर्वप्रथम हरे गुरुदेव नित्य लीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रभुष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सबको मैं यथाग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे माधुर्य कादंबनी, जिस ग्रंथ में बताए पहले तो रस था लेकिन भक्ति तो थी, लेकिन भक्ति को जो रस रूप दिया श्री रूप गोस्वामी। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ प्रश्न करते हैं, प्रश्न करते हुए इसकी समाधान करते हैं। बोले भैया भक्ति कैसे प्रकट होता है, हृदय में भक्ति कैसे आएगा, क्योंकि जब तक हृदय में भक्ति नहीं आएगा तब तक हम भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए अलग अलग शास्त्र में अलग अलग बात बताई। जैसे भागवत में बताया सबई पुंसांग पर्व धर्म जत भक्ति रधक सजे आहे दुखी अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसिद्ध। इसमें बताए जीव मात्र का परम कर्तव्य क्या है, बोले भगवान को भक्ति करना। बोले भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले आहितु की अप्रतिहता, जिसमें कोई कामना वासना नहीं हो, जिसमें कोई बाधा नहीं हो और अप्रतिहता है, जिसको कोई बाधा दे ही नहीं सकते। जिसमें बताए चद्री छया मत भक्त था दो, जो भक्ति अपना इच्छा से ही प्रकट होता है। यहाँ पर जो भक्ति की बात अलग अलग स्थान पर अलग अलग बात बताए, भक्ति को बताए अपनी आप भक्ति हृदय में प्रकट होता है, इसको कोई रोक नहीं सकते हैं, वो अपनी आप अपनी इच्छा से भक्ति प्रकट होता है। जब इस बात को बताए तब यहाँ पर प्रश्न करते हैं, बोले भक्ति क्या भगवान की कृपा से भक्ति मिलती है, बोले नहीं। बोले फिर अगर भगवान की कृपा से भक्ति मिलती अगर हो फिर तो भगवान को सबको बराबर देखनी चाहिए, सब तो भगवान के संतान है ना, जब भगवान की सब संतान है फिर तो ये भक्ति सबको मिलनी चाहिए। फिर बताए क्या पूर्व जन्म का भाग्य से भक्ति मिलती है, बोले अगर पूर्व जन्म का भाग्य से अगर भक्ति मिले फिर तो फिर यहाँ पर एक दोष होता है। फिर तो यहाँ पर जद्रिच्छा जो बताया अपनी इच्छा से भक्ति प्रकट होता है, फिर इसका कोई कारण हो गया, बोले क्या किसी कर्म से होता है, बोले अगर किसी कर्म से अगर भक्ति मिलेगा फिर यहाँ पर जो बताए वो अपनी इच्छा से प्रकट होता है वो भी गड़बड़ी।
तो यहाँ पर बहुत कुछ प्रश्न उत्तर करते हुए फिर लास्ट में बताए समाधान इसका देते हैं, जो भक्ति है बोले भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्त कुंभी सुकृत ही पूर्व संचित है। यहाँ पर जो भक्ति जो मिलता है बोले भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, जो भक्ति है वो भक्तों का कृपा से होता है, भक्तों का कृपा से ही भक्ति होती है। बोले क्यों, बोले भक्ति कहाँ रहती है, बोले भक्तों का हृदय में रहती है, भक्तों की हृदय में ही भक्ति रहती है। अगर भक्त अगर किसी को कृपा करे तो तभी ये भक्ति किसको मिल सकती है, हैं? इसलिए हमारे श्री जीव गोस्वामी एक बहुत अच्छी बात बताए, बोले एक समय भगवान कृष्ण ने सारे ग्रंथों को बुला दिया, सारे वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत सब ग्रंथों को एक बार भगवान कृष्ण बुलाए, बुला करके भगवान प्रश्न करते हैं बोले भैया भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय क्या और भक्ति मिलती है कैसे पता। तो उन्हें वेद खड़े किया, वेद भी बहुत कुछ लेक्चर दिया है, इसलिए तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सुरय, इसलिए उन्होंने वेद बहुत कुछ मंत्र बोले, भगवान वेद की लेक्चर सुन करके बोले हाँ तुमने बहुत कुछ बात बताया लेकिन मेरे मन संतोष आंसर नहीं मिला, बोले बैठ गया। फिर उन्होंने खड़े करते हैं उपनिषद को, उपनिषद भी खड़े होकर के सा परानुरक्ति ईश्वरे अनन्य ममता भक्ति ममता प्रेम, उन्होंने भी बहुत कुछ उन्होंने बताया। भगवान बोले हाँ तुम भी बहुत कुछ बताए लेकिन मेरा मन संतोष बोलो कुछ आंसर नहीं मिला, तुम बैठ जाओ। वेदांत सूत्रों को खड़े किए, वेदांत सूत्र भी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र जो नित्वात जन्मादस्य जत अनावृत सप्तात अनावृत सप्तात, हैं शास्त्र जो नित्वात, उन्होंने अलग अलग बहुत कुछ उन्होंने वेदांत सूत्र भी बहुत कुछ लेक्चर दिया है। भगवान सुन करके बोले देखो तुम भी बहुत कुछ बात बताए लेकिन मेरे संतोष जनों को ही आंसर नहीं मिला। फिर उन्होंने खड़े करते हैं श्री पुराण को, बोले तुम क्या बताते हो, पुराण भी खड़े हो गए, उन्होंने भी बताया वर्णाश्रम आचार बता पुरुषान पर कुमान विष्णु आराध्य पंथा नन्यत सकार, अगर भगवान को संतुष्ट करना चाहते हो अपना वर्ण अपना आश्रम को धर्मों को जाजन करो, उसको द्वारा ही भगवान संतुष्ट होते हैं। पुराण का बहुत कुछ श्लोक पुराण भी बताए, भगवान बताए आप भी बहुत कुछ बात बताए लेकिन मेरे संतोष जनक कोई आंसर नहीं मिला, फिर तुम भी बढ़िया। सब बोल रहे भैया हम इतने इतने बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं, ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। फिर उन्होंने महाभारत को खड़े किए, महाभारत का दिन में भगवत गीता बोले बताओ आप क्या बताते, गीता भी बहुत कुछ बताए हैं, जत करोसी जत सनासी जत जोहसी ददास जत जत तपस्य कौन्तेय तत् पुरुषः मदर्पण, बोले अर्जुन तुम जो कुछ करते हो जो कुछ खाते हो जो कुछ ग्रहण करते हो तुम मेरे लिए क्या करो, मेरे को सब कुछ तुम अर्पण करो। और गीता में भी बताए हैं यज्ञार्थात कर्मन अन्यत्र लोक एवं कर्म बंधना तदर्थ कर्म कम ते मुक्त समाचार, बोले जो कुछ करते हो भगवान के लिए करो, भगवान के लिए अगर नहीं करोगे तो सबके सब बंधने का कारण बनेगा, इसलिए सारे धर्म को छोड़ करके सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरण व्रज, सब छोड़ करके तुम मेरे शरण में आए और मन मना भव मन और किसी को मत दो मन केवल मेरे को दे, मत भक्त भव भक्त और किसका नहीं केवल मेरा ही भक्त बनो, पूजा करना तो मेरी प्रणाम करना तो मेरे को, फिर मेरे को तुम प्राप्त करोगे। गीता भी बहुत कुछ बोले लेकिन भगवान इनका भी लेक्चर सुने, बोले देखो मैं जो सुनना चाहता हूँ ना तुम लोग कोई सही से आंसर नहीं दे, बोले तुम भी बैठो। अभी सारे शास्त्र सोच रहे हैं हम इतनी अच्छी अच्छी बात बता रहे लेकिन इनको स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन एक ग्रंथ बाकी रह गया, क्या रह गया, केवल भागवत बाकी रह गया। भगवान सब शास्त्र सोच रहे हैं सबके सब भागवत के मुंह को ताक रहे हैं ये क्या बोलेगा, भगवान हमको सब रिजेक्ट कर दिया। तब उन्होंने भागवत को खड़े किए, जब किए
पूछे बताओ। तो भागवत ने दो श्लोकों को उन्हें बताया, एक तो प्रह्लाद महाराज का और एक श्री भरत महाराज का। हैं, जिस समय भरत महाराज के साथ में श्री रघुवर महाराज का साक्षात्कार हुआ, तब श्री भरत महाराज रघुवर को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, रघुवर न तपस्या न जाति न इजया निर्पापना क्रियत्वा नैव छंदा छंदसि नैव जलाग्नि बिना महत पदो रजो अभिषेकम्। देखो, रघुगणी न तपस्या, तपस्या के द्वारा भगवान भक्ति नहीं मिलती। बहु बड़ी उच्च जाति में जन्म ग्रहण कर लिया, उससे भी भगवान नहीं मिलते हैं। निर्पापना गृहात पाप ने घर संसार छोड़ दिया, क्या भगवान भक्ति मिल जाएगी, बोले उससे भी नहीं होगी। बोले दिन भर वेद पुराण को पढ़ते रहते हैं, क्या उससे मिल जाएगी, बोले नहीं। बोले जटाजुट धारण कर लिया, बोले उससे भी मिल जाएगी, बोले नहीं। बोले दिन रात अग्नि और सारे देवता को पूजा करते रहते हैं, बोले उससे क्या मिल जाएगा, बोले नहीं। बोले मिलेगा कैसे, बोले एक उपाय है, जब तक कि किसी महान साधु का शरण में हम नहीं जाते हैं, जब तक हम विशुद्ध वैष्णव का शरण में हम नहीं जाते हैं, याद कर, जब सब कुछ कर लो कुछ होने वाले नहीं। इसलिए दूसरा श्लोक बताए, जिस समय हिरण्यकश्यप ने अपना बेटा प्रह्लाद को पूछा, बोले प्रह्लाद ही बताओ, मैं जो कुछ प्रश्न करता हूँ तुम केवल एक ही कहते हो, तत्साधु मन्य सुरवर जतहि नाम सदा समुद्र विघ्नम ध्याम असत ग्रहात हितात्म पात गृहांत गुप बनम गतजत हरिमाश्रय। जब उसको पिता पहला बार पूछा, गुरुजी ने तुमको क्या पढ़ाया, जो अच्छा लगता है वही बोलो। बोले पिताजी हैं, हे असुर श्रेष्ठ हैं, तत्साधु मन्ने, मैं उसको ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। क्या मानते हो, संसार में जीव हर समय दुख कष्ट ही भोग करते, संसार में सब कैसे दुख कष्ट भोग करते, ही नाम सदा समुद्र विघ्नम। बोले क्यों संसार में क्यों दुख पा रहे हैं, बोले ध्याम असत ग्रहात, उनकी जो हृदय में वो असत वस्तु का प्रति की आसक्ति हो गया, अनित्य वस्तु में आसक्ति हो गया। अनित्य वस्तु को सोचोगे तो खत्म होने वाले वस्तु, फिर तुम दुख देगा ही नहीं। अगर तुम नित्य वस्तु नित्य अगर आनंद पाना चाहते हो, क्या करो, संसार रूपी बंधन को त्याग दे करके शुद्ध साधु की शरण में जाकर के जब तक भगवान की भक्ति नहीं करोगे, तब तक जीव को शांति नहीं मिलेगी। जब दूसरा प्रश्न की है दूसरा बार, तो दूसरा बार उन्होंने क्या बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति भूषार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भगवत तन्मन्यते तवम। पिताजी पहले गुरु जी की शरण में, ठाकुर जी की शरण में जा करके शरणागति हो करके जो व्यक्ति ये नव विद्या भक्ति को जाजन करते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है, इससे विद्या जगत में और कुछ है नहीं। हिरण्यकश्यप ने बोला, मैं जो कोई प्रश्न करता हूँ एक ही बात बोलते हो, हरि की भक्ति हरि की भक्ति भक्ति भक्ति। भैया तेरे दिमाग किसने बिगाड़ा, तेरे दिमाग किसने बिगाड़ दिया। बोले पहले तो एक हिरण्यकश्यप अभी घर घर में हिरण्यकश्यप हो गए, भक्ति करके दिमाग बिगाड़ गया किसने, हाँ उल्टा पुल्टा काम कर बहुत बढ़िया काम, शराब पिए सिगरेट फूके, बोले भाई बहुत बढ़िया चार भाग सिगरेट फूक रहा है ना, इसलिए शराब पी रहा है। लेकिन अगर भक्ति करे भजन करे, बोले किसने तेरे बुद्धि को बिगाड़ दी, अभी घर घर में हो गए, इसलिए बोले तेरे बुद्धि को ये क्या संडा अमर कने, ये तेरे बुद्धि बिगाड़ दिया। क्योंकि उनको गुरु जी कौन थे, संडा और अमर, संडा मतलब अमर का मतलब होता है बद्दर है। कहते जो गुरुदेव हमें भक्ति की शिक्षा नहीं दे करके केवल एटीएम बना देते हैं, पैसा कमाने का, केवल पैसा कमा पैसा कमा, इसका जो विद्या बढ़ाते कहते वो कौन है, लो साढ़ और बंदर सबके सब, हाँ ये सबके सब साढ़ और बंदर ये सबके सब। बोले ये क्या तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ दिया,
इन लोगों ने क्या तेरे बुद्धि को भगवान की भक्ति में लगा दिया। तब श्री प्रहलाद महाराज कहते बोले पिताजी नैसांग मति स्तावत पुरु क्रमांग्री स्पिसार्थ अनर्थ अपगमम जतर्थ महियसाम निष्किंचनानाम न प्रणीत।